तान्या एंड ये मेरा भाई अनमोल। सो मेरे बैंक की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ ग्लिच आ गया था। सो हमें स्कॉशिया बैंक आना पड़ा। सो हम हेलीफैक्स में स्कॉशिया बैंक पहली बार आ रहे हैं एंड ये तो लाइक एक टेम्पल की तरह दिख रहा है। आपने देखा कि ये बैंक नहीं कुछ हो रही है, मतलब थोड़ा डिफरेंट। अब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। उस समय ना बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो अभी सबवे आ चुका है। सो हम कुछ खाने जाएंगे बिकॉज वेजिटेरियन ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रही है अभी आसपास। सबवे में हमारा काम हो सकता है। क्या खाना है? अरे चुप हो जा, खाना क्या है? सबवे, सबवे में ऑर्डर ऑप्शन होती है मैगी। तो हम सोच रहे हैं कि हम सबवे ले लेंगे और उसके बाद हम सबवे लेकर टिम हॉर्टन्स में चले जाएंगे बिकॉज हमें कॉफी पीनी है। कितना यम्मी यम्मी फूड दिखता है देखो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे ना वेजी पैटीज होती ही नहीं है, और होती है तो अच्छी नहीं होती। इंडिया में ज़्यादा मतलब वेजिटेरियन वैरायटीज होती है ना, मैकडोनल्ड्स टिम और लाइक सबवेज वगैरह में। यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए, बट कोई बात नहीं। फ्रेंड्स अभी मैं पहले टोरंटो में रहती थी और वहाँ पे मेरा कुछ सामान रह गया था, थोड़े डॉक्यूमेंट्स कुछ एंड मेरे कपड़े वगैरह रह गए थे, तो मेरे फ्रेंड के पास थे वो, तो मैंने उसको कहा कि अब कोरियर कर दे। तो हमें कोरियर किया, तो कोरियर वाले ने हमें फ़ोन ही नहीं किया। सो अब हमें फेडेक्स जाना पड़ेगा कोरियर वाली जगह और अपना पार्सल वहाँ से पिक करना। फ्रेंड्स अभी हम टिम हॉर्टन्स ढूंढ रहे थे। ये तो एक बहुत बड़ा हेल्थ सेंटर है। किसी ने हमें बोला कि टिम हॉर्टन्स इसी बिल्डिंग के अंदर है, हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग के अंदर ही टिम हॉर्टन्स है क्या? सो अब हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स अच्छा यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे चहल पहल है। ये हेल्थ सेंटर है, ये हनान मॉल हेल्थ सेंटर नहीं लग रहा, शॉपिंग मॉल टाइप लग रहा है ना भाई साहब। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब ओ अच्छा, इसके अंदर टिम हॉर्टन नहीं है, यहाँ से बाहर निकल के मेरे ख्याल से किसी तरह। लेट्स आस्क समवन। सो फ्रेंड्स हमें हॉस्पिटल में यहाँ पे टिम हॉर्टन्स की लाइनअप है मेरे ख्याल। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि डाइनिंग अलाउड नहीं है, बैठने का सिस्टम नहीं है, और इन्होंने हमें मास्क दे दिए बिकॉज हम हॉस्पिटल में हैं। सो यहाँ पे ऐसा बिना मास्क के अलाउड नहीं है टिम हॉर्टन्स। और वहाँ पे सबवे है, यहीं पे आ जाते डायरेक्ट अनमोल। मुझे नहीं लगा था कि हम कॉफी पीने हॉस्पिटल में आएंगे, सो वियर्ड। मैं यहाँ पे ज्यादा मैं शूट नहीं कर रही, मुझे ऑकवर्ड सा लग रहा है ना। सो फ्रेंड्स अभी ये हॉस्पिटल का कॉफी शॉप टिम हॉर्टन्स था, तो हमें यहाँ पे सिर्फ हॉट ड्रिंक्स मिल रही थी, तो मेरी कॉफी तो मिल गई, बट इसको कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ भी नहीं मिला। मैंने इसको बोला कि कोई हॉट ड्रिंक ले ले, आज हॉट ड्रिंक ट्राई कर ले, बट इसने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? गर्मी है। और यहाँ हॉस्पिटल से बाहर आके बहुत अच्छा सुंदर सा पार्क है, मतलब इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। तो औरत कैसे देखी मुझे शूट कर खा लेते
फ्रेंड्स क्या हो रहा है आज? अब हम खा रहे हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स बारिश हो रही थी, हम पहले वहां पे खा रहे थे, अब हमें छाया मिल गई है। मेरी कॉफी भी ठंडी हो गई है। तो हमने अपने फ्रेंड्स को बोला, हमारे फ्रेंड्स हमें देने आएंगे अभी। बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो हमें एकदम घर भागना पड़ा। हमने जल्दी जल्दी अपनी ग्रोसरी करी एंड उसके बाद हम घर आ गए। हमने अपना कोरियर भी पिक कर लिया, इसके अंदर कोरियर है, सामान है मेरा एंड हमने ग्रोसरी भी करी थी। ये हमारी ग्रोसरी है सब। एंड सब शेयरिंग में रहते हैं तो सबका सामान मिक्स है। सो अभी मैं कुक कर रही हूँ, मैं छोले बना रही हूँ और ये मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है एंड इसमें छोले हैं, ये हमारी किचन है। सो हम कुकिंग के बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बालकनी से। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो मेरा कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा था तो मैं खाने बैठी हूँ एंड मीनवाइल प्रेशर कुकर में मैंने छोले बना दिए हैं। बस वो भी बन जाए तो मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊँ। यहाँ पे ओनर ने हमें गैस प्रोवाइड करी थी बट ये बहुत स्लो चलती है, मतलब कुकर की सीटी जैसे इंडियन कुकिंग में इतनी ज़्यादा सीटियाँ बजानी होती है और मतलब बहुत देर तक सब्जी गैस पे पड़ी रहती है ना, तो वो ये वर्क ऐसा अच्छा नहीं कर रही थी। तो हमें ये इंडक्शन पे एक वन स्टोव पे इन्वेस्ट करना पड़ा जो कि अमेजोन से हमें $45 या $50 की पड़ी। यहाँ पे इंग्लिश पीपल भी रहते हैं रूम्स है सबके, बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उनकी कुकिंग ही बहुत लाइट है, बट हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी तो हमें लेना पड़ा। सो फ्रेंड्स अभी मेरे रूम की हालत मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कैसी हो रही है। ये मेरा रूम है, और मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ, 5 डेज वर्क करती हूँ, उसके बाद जब मैं घर में आती हूँ तो मैं बस कपड़े ऐसे फेंकती हूँ, इतनी नींद आ रही होती है, ऊपर से खाने की भी सेटिंग करनी होती है तो बहुत थकान हो जाती है। तो जब भी वीक में 2 डेज ऑफ होते हैं तो मैं एक दिन रेस्ट करती हूँ खुल के बहुत अच्छे से, और उसके बाद अगले डे छुट्टी के मैं घर के काम करती हूँ, लॉन्ड्री करती हूँ। अब कपड़े वॉश करने के लिए रूम क्लीन करती है, लॉन्ड्री के लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली आई एम डन विद माय रूम। मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है और अब ये रहने लायक लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं एंड मेरा रूम साफ लग रहा है रहने के लिए, अब अच्छा है। सो मैंने अपनी फैमिली पिक्चर्स भी लगाई हैं एंड अब रूम बहुत साफ हो गया है। वहाँ पे बालकनी है, शाम हो गई है सब काम करते करते। अब मैंने अपने कपड़े लॉन्ड्री ड्रायर में डालने जाना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा है। सो अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ एंड ये नीचे जाकर लॉन्ड्री रूम है। वॉशर है ऊपर, ड्रायर है। सो यहाँ पे हम लॉन्ड्री करते हैं आके,
इसमें वॉशिंग के 2.50 जाते हैं एंड ड्रायर के 1.50 डॉलर्स जाते हैं. एंड मैं मंथली लाइक दो बार कर लेती हूँ लॉन्ड्री, तो मेरे लिए अनफ होता है ये. यहाँ पे 3 मशीन्स है और पूरी बिल्डिंग में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सही है. कोई मतलब मैं रात को आके करती हूँ बिकॉज तब कोई ज़्यादा लोग होते नहीं है तो काम जल्दी हो जाता है. तो अभी हम जस्ट खाना वाना खा के फ्री हुए थे एंड बनाए थे. Oh my God! Wow! अभी इस घर में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे डिश वॉशर है, तो मुझे डिशेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता. वरना बाकी घरों में जब मैं रही हूँ तो बर्तन धोने की इतनी टेंशन रहती थी, क्योंकि यहाँ पे तो मेड्स भी नहीं होती हैं, और होती हैं तो वो बहुत कॉस्टली होती हैं. यहाँ पे बस ऐसे डिश वॉशर में मैं अपना सब यूटेंसिल्स डाल देती हूँ एंड जस्ट नॉर्मली ये एक घंटे में वॉश. फ्रेंड्स, रात के 9 बज गए हैं एंड स्टिल अभी तक रेन हो रही है, बारिश नहीं रुकी, मानसून चल रहा है. सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इट्स स्टिल रेनिंग. कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज अंधेरा हो रहा है, बट अभी भी बारिश हो रही है. सो फ्रेंड्स, कनाडा में बेसिकली हमें अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मेड रखेंगे तो हमारी आधे से ज़्यादा सैलरी तो मेड को ही देने में निकल जाएगी. क्या बोला तूने? इंडिया में तो होता है ना कि मेड्स चीपर प्राइस पे मिल जाती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें खुद सारे काम करने पड़ते हैं. लेकिन हाँ, अगर घर में डिश वॉशर है, लॉन्ड्री फैसिलिटी है, जो कि यहाँ पे मोस्टली हर जगह होती है, तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, लेकिन करना फिर भी खुद ही पड़ता है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू दिस नॉलेज, अगर आपको नहीं पता, बिकॉज मुझे भी इतना नहीं पता था. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. बाय.